सरसरी टुडे आवर सब्जेक्ट इज उर्दू रिक्वायरमेंट उर्दू कॉपी उर्दू बुक पेंसिल बॉक्स एंड कलर बॉक्स। आज का हमारा क्लास का काम है अलिफ से गैन तक हुर्फ तहाजी हमें हुर्फ तहाजी लिखनी है अलिफ मद से गैन तक कॉपी में और यही काम हमें घर की कॉपी में भी करना है। घर में भी हमें यही काम करना है। हमारे घर का किताब का काम है सफ़ा नंबर 57 एंड 58। ओरल है हमारा इस्लामिक का, दो क्वेश्चन दिए हैं वो दोनों याद करने हैं आपको। सबसे पहले आप अपनी उर्दू की कॉपी निकालें और मार्जिन लाइन ड्रॉ करिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे हुर्फ तहाजी अलिफ मद्दा से गैन तक। फिर उसके बाद नीचे मैंने 3 लाइन्स ड्रॉ की हैं, आप लोग भी 3 लाइन्स ड्रॉ करेगा, मार्जिन लाइन को हटा के 3 लाइन्स और ड्रॉ करनी है कलर पेंसिल से। मैं खुद ही आ जाती हूँ, कर लो छोटा। पहला अल्फाज है हमारा अलिफ मदा। ये क्वेश्चन लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, फिर उसके बराबर वाले बॉक्स में लिखेंगे अलिफ, लाइन लाइन से टच करके लिखिएगा, बे बनाएंगे, बे बनाएंगे जिस तरह मैं बना रही हूँ उस तरह से बनाइएगा। फिर इसके बाद एक लाइन आपको छोड़नी है, फिर लिखिएगा ते, बराबर वाले बॉक्स में टे, फिर उसके बराबर वाले बॉक्स में से। जिस तरह मैंने कश्ती स्टाइल बनाई है यहाँ से इस तरह से, और फिर यूं करके आगे यूं इसी तरह से आपकी होनी चाहिए, सही है। फिर उसके बाद आ जाएं आप जीम पर, जीम आधा लाइन से नीचे जा रहा है मेरा, आपका भी नीचे ही जाना चाहिए। एक लाइन छोड़ेंगे, इसके बाद 6 लिखेंगे, फिर उसके बराबर बॉक्स में हे। ये मेरे जिस तरह से लाइन से नीचे जा रहा है आपके उसी तरह से जाने चाहिए। फिर उसके बाद लिखेंगे दाल, दाल मेरा लाइन से नीचे जा रहा है आपका भी जाना चाहिए। फिर इसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे डाल, डाल के ऊपर छोटी तो बनाएंगे, फिर लिखेंगे जाल, नेक्स्ट वर्ड इज रे, रे आपका लाइन से नीचे जाना चाहिए इस तरह से, रे छोटी से जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है, और इसके बाद बड़ी से जिसके ऊपर 3 नोते होते हैं, सीन, सीन आधा लाइन से नीचे जाना चाहिए आपका जिस तरह मेरा गया है। इसके बाद लिखेंगे शीन, इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे स्वाद, फिर लिखेंगे ज्वार, फिर आ जाएगा तोए, जोए, आईन आधा लाइन से नीचे जाना चाहिए आपका जिस तरह मेरा गया है, और वहीं भी। मैंने इन बॉक्सेस में लाइन बॉक्स नहीं छूटेगा, लेकिन यू में आप जो लिखेंगे एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। रीड कर लेते हैं, अलिफ मदा, अलिफ बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते के ऊपर छोटी तोएं, से के ऊपर 3 नुक्ते, जीन के पेट में 1 नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, हे खाली, खे के ऊपर 1 नुक्ता, दाल खाली, दाल के ऊपर छोटी तोएं,
दाल के ऊपर एक नुक्ता, रे खाली, रे के ऊपर छोटी तोए, जे के ऊपर एक नुक्ता, छोटी जे पे एक नुक्ता, बड़ी जे पर तीन नुक्ते, सीन खाली, शीन के ऊपर तीन नुक्ते, स्वाद खाली, ज़ाद के ऊपर एक नुक्ता, तोए खाली, ज़ोए के ऊपर एक नुक्ता, ऐन खाली, वैन के ऊपर एक नुक्ता। जो काम आप क्लास में करेंगे एज इट इज़, यही वर्क आप एच वर्क में भी करेंगे। आप काम करिएगा जैसे आप क्लास वर्क में किया है, मेरे साथ साथ काम करिएगा, जितना मैं काम आपको काम करवा रही हूँ मेरे साथ साथ काम करा करें, ताकि आप लोगों को का काम मेरी तरह, मैं जिस तरह मैं संचालू उसी तरह से काम हो सके, सही है। जो क्लास में काम करेंगे एज इट इज़ यही एच वर्क में होगा। आ जाते हैं हम बुक वर्क की तरफ, जो हमारे एच वर्क का काम है। दिस इज़ आवर उर्दू बुक, पेज नंबर ओपन करते हैं, पेज नंबर 57, ये हमारा होमवर्क का पेज है, सही है। हमें आधी अशकाल लिखनी है, हमें पूरी अशकाल भी दी हुई है स्वाद की, नीचे देखिए आधी अशकाल भी दी हुई है, लेकिन नीचे जो डॉट्स लगे हुए हैं वो सिर्फ आधी अशकाल के हैं, बड़ी अशकाल आपको फुल नहीं लिखनी, सिर्फ आधी अशकाल ट्रेस करनी है, सही है। पेज नंबर 57 ओपन करेंगे फॉर होमवर्क, ऊपर लिखी हुई है पूरी अशकाल, देख सकते हैं स्वाद की 3 लाइन्स दी हुई हैं आपको, इसमें आपको खुद से लिखना है, कोई डॉट नहीं दिया, सही है। फिर उसके नीचे साइड पर आ जाएं, स्वाद ज्वाद लिखा हुआ है आधी अशकाल में, ऊपर पूरी अशकाल दी हुई थी लेकिन नीचे आधी दी हुई है, ऊपर आपको 3 लाइन्स में पूरी अशकाल लिखनी है, नीचे की 3 लाइन्स में आपको आधी अशकाल लिखनी है, सही है। ये हमारा था होमवर्क। अब आ जाते हैं अपने ओरल की तरफ, हमारा आज का ओरल है, हमारा ओरल है इस्लामियत का, क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे, हाउ डज मुस्लिम प्रे, मुस्लिम ऑफर नमाज, आंसर हमारा ये होगा। क्वेश्चन मैं करूंगी हाउ डज मुस्लिम प्रे, आप लोग आंसर देंगे मुस्लिम ऑफर नमाज, सही है। सेकंड क्वेश्चन होगा हु इज द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, आप लोग आंसर देंगे हजरत आदम अलैहि सलाम, सही है। हाउ डज मुस्लिम प्रे, मुस्लिम ऑफर नमाज। सेकेंड क्वेश्चन हु इज द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, आंसर इज हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये आज का हमारा ओरल था। आ जाते हैं हम अपने नोटिस की तरफ, डियर पेरेंट्स प्लीज सबमिट ऑल वर्क बुक प्लस कॉपी ऑफ योर चाइल्ड अप टिल थर्सडे फॉर चेकिंग। आप लोगों को जुमरात तक अपने बच्चों की कॉपी और बुक्स लाके सबमिट करवानी है ताकि हम चेकिंग कर सकें, ओके। और लेक्चर के एंड में आपको बताती हूँ मैं, जो ओरल आपको दिया जा रहा है वो आप लाजमी अपनी कॉपी के बैक साइड पर उतारें ताकि याद करने में आसानी रहे हो आपको, ओके। क्लास आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।